हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति कुबेर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिलीज के साथ मस्त होंगे। तो आज है दिन थर्सडे और ये मैं कर रही हूँ अपनी बालकनी के गार्डन की डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग से मेरा मीनिंग ये है कि जो हम लोग गमले रखते हैं ना, पॉट्स रखते हैं, फिर फ्लावर्स के कोई से भी, तो उसके नीचे क्या है, इतना दाग धब्बे से बन जाते हैं। तो इनको अगर क्लीन ना करो तो फिर ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाते हैं। और अगर बीच बीच में क्लीन करते रहो तो डेफिनेटली बिल्कुल क्लीन रहेगी आपकी बालकनी। तो मैं बीच बीच में ऐसे ही क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन अभी काफ़ी समय से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा और कर भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज मैंने हल्की सी ही, देखिए धूप आई है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, हल्की हल्की थी, तो मैंने कहा अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दाग देखिए कितना ज़्यादा बन गया था। और बिल्कुल क्लीन हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया, अब सारे दाग निकल गए हैं। मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा जो है डिश वॉश होता है वो लिया था और एक स्कॉच ब्राइट ले लिया था नया वो, और एक स्टील वाला जूना जो आता है वो ले लिया था। उससे तो बहुत ही जल्दी, और जो पानी के दाग बन जाते हैं ना वो भी बहुत ही आसानी से निकल गए थे और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। देखिए मैंने पूरा अच्छे से, ये जो रगड़ रही हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया था, ये मतलब निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ी देर तो साबुन लगा के छोड़ दिया जहाँ हल्के हल्के थे, पहले मैंने कहा वो कर लेती हूँ बाद में उस तरफ करूँगी। और ये यहाँ पे साथ साथ में मैं रेलिंग भी पोछ रही हूँ, हालांकि रेलिंग मेरी साफ रहती है क्योंकि मैं पोछती रहती हूँ, और लेकिन फिर अभी डीप क्लीनिंग हो रही थी तो मैंने कहा चलो आज इधर की रेलिंग भी पोछ लेती हूँ, इसको भी साफ कर लेती हूँ। और नीचे मैंने साबुन लगा के, सर्फ लगा के मतलब छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने रगड़ के फिर मैं उसी गीले टावल से, ये टावल यहीं का है, मैंने यहीं पे रखा है, आपको अधिकतर दिखता होगा मेरी बालकनी में क्योंकि जो पेड़ पौधों से पानी निकलता है उसके लिए। और ये देखिए क्लीन कर लिए मैंने अपनी बालकनी, अच्छे से क्लीन कर ली थी, फिर मैंने पेड़ पौधों को वहीं पे सेट कर दिया और देखिए फिर पानी निकल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे गुलाब के फूल आए हुए हैं और बहुत ही मतलब, और गुलदावरी भी मेरा खिल गया था, ये टमाटर का है फूल, मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। और देखिए मैंने टावल धो के वहीं डाल दिया क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। मैंने पूरी बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन कर ली और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो बहुत लेट हो गया था किचन में हम लोगों को, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो फटाफट से तहरी बना लेती हूँ मटर डाल के, और सब्जी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं डाली है क्योंकि टाइम वाकई में बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने फटाफट से बस आलू काट लिए हैं, प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर डाल दिया था और मटर डाली थी, और बस चावल सोख करके रखे हुए हैं, आपको साइड में दिख रहे होंगे। तो यही था, और व्लॉग का भी एंड नहीं कर पाई इस चक्कर में मैं कल शाम को, क्योंकि मैं शॉपिंग में भी चली गई, शॉपिंग करनी थी, और तो बस इस वजह से मेरा व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है थर्सडे से, और आज हो गया है फ्राइडे। तो देखिए मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए और उसी समय मूली ली थी, तो फिर मैंने मूली की भाजी भी बना ली अपने दिन के खाने के लिए, और फटाफट से हमारी तहरी कहिए या मटर पुलाव कहिए बन के रेडी हो गया था। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ये है कि बस काम करते समय इतनी नहीं पता चलती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा फ्री हो तो पता चलती है कि हाँ ठंड हो रही है। तो देखिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ उसकी, बस मैंने ऐसे ही बनाया है। और इसमें और दिन, बाकी दिन जब बनाती हूँ तो मैं इसमें गोभी, गाजर सब डालती हूँ, आज मैंने बस मटर डाला है और आलू डाला है और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, और बस यहाँ पर अपने बेसिक से धनिया, हल्दी, मिर्ची डाल दूँगी, और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी डाला है इसमें और नमक बस, और चावल डालेंगे और बस हमारी तहरी बनके हो जाएगी तैयार। तो इसकी रेसिपी किसी और दिन शेयर करूंगी मैं आपके साथ, बस यही सब चल रहा था। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी भी काम करना पड़ रहा था क्योंकि बच्चों को भी टाइम हो गया था खाना खिलाने का, बालकनी साफ करने में मेरे को आज बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मतलब समझ लीजिए, तो मैंने जल्दी जल्दी से किया। लेकिन हाँ यह बालकनी साफ हो गई थी तो इतनी शाइन कर रही थी और इतनी चमक रही थी कि अब मेरे को मतलब फिर काफ़ी दिनों के लिए छुट्टी मिल गई है। डेली क्लीनिंग तो बालकनी की होती है लेकिन जो गमले के नीचे की क्लीनिंग है वो नहीं हो पाती है। तो ये मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है अपनी तहरी में, इससे स्वाद इसका बढ़ जाता है, और स्पीड मैंने बढ़ा ली है थोड़ी सी, तो व्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं इसलिए मैंने स्पीड बढ़ाई। तो ये है हमारा आज का लंच, तहरी बनाई है मैंने और मूली, ये वाली मूली इतनी मीठी हो रही है कि हम एक मूली काट के वैसे ही खा चुके हैं और फिर मैंने दोबारा से काटी है।
और ये है मूली के पत्तों की भुजी जैसी बनाई है। ये वाली भुजी में की रेसिपी में कुछ भी नहीं है, मैं एक दिन शेयर करूँगी आपसे, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फिर बच्चों को खाना खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्योंकि ये है नेक्स्ट डे का और मैं कल व्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी हुई थी। उसके बाद शाम को फिर हम शॉपिंग में गए। शॉपिंग में क्यों गए वो भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में हमारी जो बीच वाली मतलब बड़ी वाली देवरानी है, उनकी बेटी का बर्थडे भी है और वहाँ पे जाना भी है। घर कल जाएंगे हम लोग, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही था, तो वो लेने हम चले गए शाम को। और फिर ब्लॉग, फिर वहाँ से आने के बाद मैं और बाकी कामों में लग गई। मान्या को भी देखना था, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया और बस ब्लॉग का एंड नहीं किया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। और बहुत ठंड हो रही है भैया, बहुत ठंड हो रही है। पता है दोपहर हो चुकी है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब सुबह नाश्ता कर लिया था। सुबह नाश्ते मैंने पोहे बनाए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने दो दो पराठे भी खा लिए। पर अभी मैडम मतलब माही का है कि नहीं मम्मी पानी पूरी खाने, थोड़ा उसको क्या है थोड़े थोड़े दिन में उसको चटपटा खाने का मन हो जाता है। अब बाहर का तो हम लोग अवॉइड कर चुके हैं, हमें साल भर हो जाएगा अब ये मार्च में, हमने मतलब कुछ भी नहीं खाया है बाहर से। तो उसको बीच में चटपटा खाने का बहुत शौक है उसको, तो लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलो पानी पूरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास पानी पूरी वाली बॉल्स भी रखी हुई हैं और वो भी रखा हुआ है, मिक्सर भी रखा हुआ है, पानी भी बन जाएगा। बस आलू बॉयल करने थे, आलू बॉयल कर दिए, उनको मैश करूंगी और पानी पूरी हो जाएगी हमारी रेडी। और हाँ, मैंने मूंग की दाल भी भिगोई है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा बनाने। यस, हलवा, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और चलिए फिर जब बनाऊंगी तब मिलूंगी आपसे, क्योंकि उसके अलावा भी मुझे काफ़ी काम करने हैं अभी। क्योंकि अभी ऑनलाइन कुछ सामान राशन का मतलब ऑयल आया था, रूम फ्रेशनर आया और दो तीन सामान और थे जो चुटुटू वो मैंने मंगाए थे, उनको सैनिटाइज किया, उनको संभालूंगी। और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं निकली है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी प्लीज़ सेफ रहिएगा घर पे, छोटे बच्चों को सर ठंडी से बचाइएगा, उनकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए, ये मैंने भिगो दी थी मूँग की दाल, डेढ़ कटोरी लिए मैंने, और इसको 3 से 4 घंटा भिगोना है हमें अच्छे से। जब 3 से 4, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो हाथ लगाने का भी मन नहीं हो रहा है। और ये देखिए दहन हमारी अच्छे से गल चुकी है, अब हमें इसे सोक करना है अलग। मैं एक टोकरी में इसको छान लूँगी जिससे कि एक्सेस वाटर सारा निकल जाए इसका, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको ड्राई हमें पीसना है, ग्राइंड करूँगी मैं इसको। तो चलिए ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मेरी दाल जो भीगी हुई थी और अब मैंने इसको सोक कर लिया एक टोकरी में, और अब यहाँ है ग्राइंडर मेरा, इसमें मैं इसको डाल के इसको पीस लूँगी। इसमें पानी नहीं ऐड करूंगी, इसलिए मैंने इसको टोकरी में रखा है कि ये अच्छे से, कोशिश हमें यही करनी कि हमें इसमें पानी जितना हो सके उतना कम यूज करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, मूंग दाल के लिए सबसे पहले ऐड हमें करना है घी, क्योंकि तो अच्छे से डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मूंग दाल में घी अच्छे से ही पड़ता है। और तो यहाँ मैंने दाल पीस ली अपनी, देखिए मैंने कितना सारा लॉट्स ऑफ घी डाल दिया, लॉट्स ऑफ घी। घी को गरम होने देंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें 1 चम्मच मैं सूजी डालूंगी और 1 चम्मच मैं बेसन डालूंगी अच्छे से। इसको फिर हमें पकाना है। तो ये देखिए, मैं इस पे 1 और थोड़ा सा और डाल दिया, और मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी सूजी। बस अब हमें इसे अच्छे से घी में पकाना है। अभी आपको घी इसमें ज्यादा ही दिख रहा होगा, ये अभी सारा ऑब्जर्व कर लेगा मेरा, जो है मैंने जो दाल पीस के रखी है। और उसके बाद जैसे ही, और ये जो सूजी और ये बेसन डाला है, इससे इसका एक क्रम्बल टेस्ट आएगा और साथ में ये जो है हलवे को चिपकने नहीं देगी, नीचे लगने नहीं देगी।
जैसे ही थोड़ा ये भुन जाता है उसके बाद हमें इसमें अपनी जो दाल है वो भी ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ शुगर सिरप भी बना देती हूँ साथ साथ में। तो ये मेरा देखिए नया लाइटर वाला लाइटर खराब हो रहा है, नया वाला है ऑन कर दिया है। इसमें 1 बाउल मैंने शुगर ऐड करी है और 1 बाउल मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें वाटर, जिससे कि हमारी शुगर सिरप बन जाएगी। ये कितना अच्छा सा खिला खिला हो गया है मेरा मूंग दाल का हलवा, जो कि बस बनने वाला है। और अब बस मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपनी शुगर सिरप। तो शुगर सिरप डालते समय बहुत केयरफुली डालिएगा क्योंकि हलवा ऊपर को आता है। और मैंने देखिए फ्लेम हमेशा धीमे रखिएगा, फ्लेम धीमे नहीं रहोगी तो वो एकदम से ऊपर आएगा। धीमे ही रखी थी अब बस हमें इसको ऐसे ही पकाना है थोड़ी देर और। देखिए हलवा मेरा बस बन गया है। अब इसको थोड़ा सा अभी मुझे और भुनना है, जब ये घी छोड़ने लगेगा तो इसका मतलब है कि मेरा हलवा डन है। देखिए और देखिए कितना दानेदार बना है, देखिए देखिए मेरा मूंग दाल का हलवा तैयार हो गया है बिल्कुल दानेदार। ये देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है और घी छोड़ दिया है हलवे ने। तो ये है मेरा हलवा, आइए आप लोग खाइए मूंग दाल का हलवा। और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मंदिर में मैंने भोग लगा दिया है, ये है आप लोग के लिए, आइए और खाइए। ब्लॉग चलते चलते मेरे 2 दिन हो गए, कल से ये ब्लॉग चल रहा है और आज फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन से ये ब्लॉग रेगुलर चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ मूंग के हलवे के साथ। उन्होंने खा लिया मूंग का हलवा, बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा हलवा आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया हलवा बना था, खिला खिला दानेदार। बस एक कसर इसमें ये रह गई थी, मुझे थोड़ा सा इसे और भून लेना चाहिए था जिससे ये और ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। क्योंकि जो मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुमने इसे थोड़ा सा कसर ये रह गई कि इसे भुना कम है, थोड़ा और भून लेती तो अच्छा था। कोई नहीं, मैं कोई शेफ तो हूँ नहीं, लेकिन ट्राई किया, अच्छा बन गया। तो चलिए ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, फिर मिलूंगी आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।